राम राम साथियों, आप सभी की डिमांड पे फिर से हरियाणा करंट अफेयर का एक नया लेक्चर लेक्चर नंबर 4 लेके हम आपके सामने हाजिर हैं, जो कि हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी की भर्तियों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो अभी तक जो बच्चे विजय पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विजय पथ यूट्यूब पे सर्च कीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली वहाँ पर लाइव क्लासेस लगातार चल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा करंट अफेयर लेसन नंबर 4। आज बहुत ही लेटेस्ट हरियाणा करंट अफेयर्स की बारे में जानकारी हमने जुटाई आपके लिए और इसकी पीडीएफ भी बच्चे आपको मिल जाएगी। पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहला देखते हैं आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, तीरंदाजी में यूथ ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल किसने जीता था। तो तीरंदाजी में यूथ ओलंपिक्स के अंदर सिल्वर मेडल जीता था आकाश मलिक ने, जो इसार के उमरा गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत ही साधारण किसान परिवार से हैं। इन्होंने लास्ट वाले दिन यूथ ओलंपिक्स के अंदर सिल्वर मेडल जीतने का काम किया तीरंदाजी प्रतियोगिता के अंदर। अब बात आती यूथ ओलंपिक्स, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जिन बच्चों ने अभी हमारा लेसन नहीं देखा है यूट्यूब पे जाके देखिए, इससे पहले वाले करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया यूथ ओलंपिक्स के बारे में और पैरा ओलंपिक्स के बारे में। फिर भी आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं, यूथ ओलंपिक्स हुए कहाँ थे। तो यूथ ओलंपिक्स हुए थे अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। इसमें मन्नू भाकर जो झज्जर के गोरिया गाँव से हैं, उन्होंने भी गोल्ड और एक सिल्वर मेडल दो मेडल जीते थे, वही इसमें ध्वज भाग थी। और बाकी जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल में ही किली मंजारो चोटी को किसने फतेह किया है। किली मंजारो है जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों में पर्वत श्रृंखलाओं में से है। तो इससे पहले भी शिवांगी पाठक और रोहतास किलेरी ने इसको फतेह किया है, वो भी इंडिया से बिलोंग करते हैं। शिवांगी पाठक जो हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हैं, उन्होंने 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अभी हाल में उन्होंने किली मंजारो को फतेह किया है और जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रुस को भी उन्होंने फतेह किया है। अब जो हाल में ही किली मंजारो चोटी को फतेह किया अनिता कुंडू ने, अनिता कुंडू फरीदपुर हिसार से बिलोंग करती हैं, फरीदपुर गाँव है जो हिसार में है। इनके साथ इनकी एक शिष्य भी थी, उन्होंने भी इसको साथ में ही फतेह किया है। अनिता कुंडू इससे पहले अकेली महिला हैं जिन्होंने चाइना और नेपाल दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी हैं, और उनका तो दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटी हैं, उनको फतेह करने का इरादा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हरियाणा करंट अफेयर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी जो क्वेश्चन हमने उठाए हैं वो सभी के एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। अब न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं क्योंकि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये पेटवाड़ गांव है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उससे बिलोंग करते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ये सबसे छोटी उम्र में हरियाणा के एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ आपका टेस्ट भी होता रहेगा, आपकी तैयारी कितनी चल रही है आपको बताना है कमेंट करके, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल जजों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए साथ के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में कुल कितनी यूनिवर्सिटी हैं। हरियाणा में बच्चे टोटल 33 यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं जिसमें एक सेंट्रल है, 10 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और 22 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे, एशिया पैरा खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण किसने जीता। तो एथलेटिक्स के अंदर स्वर्ण जीता एकता भयान ने, जो वो भी हिसार से बिलोंग करती हैं, तो हिसारवासी काफ़ी अपना नाम रोशन कर रहे हैं हरियाणा का भी और देश का भी। तो एकता भयान वो भी हिसार से बिलोंग करती हैं, इन्होंने एशिया पैरा खेलों में एथलेटिक्स के अंदर स्वर्ण जीता है, और इनके बारे में तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो एशिया पैरा खेल जल्दी से बताना आपको कहाँ हुए हैं, तो एशिया पैरा खेल ये आपके लिए क्वेश्चन है, कहाँ हुए थे जल्दी से कमेंट करिए। वेरी गुड वेरी गुड, सही है, ये हुआ था इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, अब इसी महीने के अंदर हुआ था।
इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन और आपके लिए, इन्हीं खेलों के अंदर एशिया पैरा खेलों में दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, एशिया पैरा खेलों में दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, आजादी के 71 साल के बाद किस गांव में पहली बार तिरंगा फहराया गया? आजादी के बाद से आज तक इस गांव में तिरंगा ही नहीं फहराया गया था, तो इसलिए यूनिक क्वेश्चन बनता है और यूनिक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये गांव था बच्चे रोहनाथ गांव, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और तिरंगा फहराने के लिए नवीन जिंदल जो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, उन्होंने इसके लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर बच्चे अभी तक आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप को जल्दी से डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पर जाके अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में जाएंगे तो मेरे नाम सर्च कर सकते हैं, सुनील कुमार खरप KHARUB, तो सारे मेरे द्वारा जो वीडियो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप जाके देखिए और शेयर भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हरियाणा करंट अफेयर से ही। हरियाणा का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? हरियाणा का सबसे बड़ा म्यूजियम तो ये है राखीगढ़ी के अंदर। तो राखीगढ़ी है वो हड़प्पा संस्कृति का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है, ये आपको याद रहना चाहिए। हड़प्पा संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। तो चलिए एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछता हूँ मैं, आज साथ के साथ आपका टेस्ट भी चल रहा है ये सोचना है। तो आपको बताना है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? जल्दी से कमेंट करते रहिए और बताते रहिए और अपनी तैयारी को जांचते रहिए, कितनी तैयारी आप किया है, आप कितने पानी में स्टैंड करते हैं, क्योंकि पेपर तो आने ही वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम है वो रोहतक के अंदर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, जिसको आप शॉर्टकट में बोलते हैं MDU, रोहतक के अंदर बनाया जा रहा है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जिसका खुद का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। और MDU कब बनी थी जल्दी से कमेंट करके बताइए, MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी किस वर्ष में बनी थी? कमेंट करते रहिए। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, महर्षि विश्वविद्यालय जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU है, ये पूरे देश की यूनिवर्सिटियों के अंदर सबसे स्वच्छ सबसे साफ यूनिवर्सिटी घोषित की जा चुकी है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने बताया है कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 के अंदर बनी थी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बाकी अपनी तैयारी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रसिद्ध फल्गु मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो फल्गु मेला है वो कहाँ हुआ, इसी मंथ में हुआ था? ये तो फरल है, एक जगह जो कैथल के अंदर पड़ती है, तो वहां पे प्रसिद्ध फल्गु मेला अभी अक्टूबर के अंदर लगा था वहां पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रावण का सबसे बड़ा पुतला कहाँ चला गया? वैसे आपके बारे एक बहुत ही तकड़ा मिसअप हो गया था अमृतसर के अंदर, जब ट्रेन दुर्घटना हुई, बहुत ही ज़्यादा लोगों की जाने चली गई है, तो हम कह सकते हैं तो काला दशहरा था आपकी बार। हरियाणा में रावण का सबसे ऊंचा पुतला पूरे इंडिया के अंदर कहाँ चला गया? पंचकुला में, तो 210 फीट ऊंचा था, इसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर भी दर्ज हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर पुस्तक किसने लिखी है? महाराणा प्रताप द इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, जिसको आप हरा नहीं सकते, ये इंग्लिश का वर्ड है। साथ के साथ हर चीज़ हम आपको बताता चलूंगा। एक बात और बताता हूँ मैं, पुतले को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप कमेंट करके बताना, आपकी इंग्लिश भी तो आएगी भी 5 नंबर की। जो पुतला हम बोलते हैं, पुतले की इंग्लिश क्या होती है, तो आपको कमेंट करके बताना है। तो ये बुक लिखी थी रीमा आहूजा ने, महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर, रीमा पूजा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शक्ति भट्ट पुरस्कार किसको मिला है? शक्ति भट्ट पुरस्कार मिला है सुजाता गिल को। ये हाल फिलहाल के बहुत ही तकड़े क्वेश्चन है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो शक्ति भट्ट पुरस्कार है ये 2008 से मिलना शुरू हुआ था और इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते कैश,
सुजाता गिल को मिला है, जिनकी बुक का नाम था आंट्स अमंग एलिफेंट्स। आंट्स चींटियां होती हैं, मतलब हाथियों के बीच में चींटियां, अगर मैं हिंदी में इसका वर्जन करूं, लेकिन बुक का नाम इंग्लिश के अंदर ही था भाई, आंट्स अमंग एलिफेंट्स। ये कुछ बहुत ही ज़बरदस्त लेटेस्ट करंट अफेयर थे। तो अभी तक विजयपथ चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो विजयपथ को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे आप सर्च बॉक्स में जाएंगे यूट्यूब पे विजयपथ को सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने होगा, सब्सक्राइब का बटन दबाना है। कोई वीडियो आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब का लाल बटन आपने जैसे दबाया कहीं जाना नहीं है। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो उसके बाद जैसे आप घंटी का दबाओगे तभी तो आपके फ़ोन में घंटी बजेगी जब हमारा नया वीडियो आएगा। फिर इसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है पीडीएफ के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सारी पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो हम सुबह से शाम तक लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे पेपर नज़दीक आएगा बिल्कुल पूरे दिन लाइव क्लासेस चलेंगे, पूरा दिन हमारी टीम आपके साथ लाइव रहेगी, बिल्कुल क्विक रिवीजन कराएंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, कीप डूइंग द हार्ड वर्क, वी आर विद यू ऑलवेज।